और दोस्तों मीत सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि सब कुछ बर्फी देवी मीत अलावत के फादर को बता देती हैं कि तुम्हारी ये भाड़े की बहू है, ये तुम्हारी बहू नहीं है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में जो कि मीत के फादर यानी कि राज की हालत बहुत गंदी हो जाती है और वो धरती पर गिर पड़ते हैं और इन सभी का दोस्त आने वाला है मीत हुड्डा के पास में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बर्फी देवी यही चाह रही थी कि किसी भी तरीका से इस परिवार ने जो मेरे साथ में किया है मैं वैसे ही करूँगी, इन परिवार ने मेरे बच्चे से शादी की है, अब उसकी कीमत इन्हें वसूल नहीं होगी। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि फिलहाल मीत हुड्डा ने जो बर्फी देवी को जवाब देती हुई नजर आ रही थी, वहीं पे ही बर्फी देवी की अगर बात की जाए तो बर्फी देवी ने वो सबरी जितनी भी बोलचाल हुई थी एक दूसरे के साथ में वो टोटल ही शेयर की हैं एक बार फिर से राज के सामने, ताकि राज की हालत ख़राब हो जाए और वो धरती पर गिर पड़े हैं। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अपकमिंग एपिसोड में आप लोग ये भी देख पाएंगे कि किस तरीका से सभी लोग एक बार फिर से मंजरी को दोष देते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं कि मंजरी ये तुमने वाकई में अच्छा नहीं किया है, जिसके बाद में मंजरी खुद बोलती हुई नजर आने वाली है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि ये जो टोटल करा धरा है ये किसी और का नहीं है, बल्कि ये सब कुछ करा धरा बर्फी देवी का है, क्योंकि बर्फी देवी अपनी प्लानिंग में पूरी तरीका से पास हो गई, वैसे भी वो ही चाहती थी। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपकमिंग न्यू एपिसोड में आप लोग ये भी देख पाएंगे कि किस तरीका से मीत अलावत डांटते हुए नजर आने वाले हैं मीत हुड्डा को और बोलते हुए नजर आएंगे कि मैं तुम्हें इस घर में किस लिए लाया था और तुम कर क्या रही हो, तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा भी कुछ करोगी। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीका से लगातार सभी लोग मीत हुड्डा को डांटते हुए नज़र आ रहे हैं और मीत हुड्डा की कोई भी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी सभी लोग मीत हुड्डा को डांट रहे हैं। साथ ही दोस्तों अनुरोध करना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा। आई लव यू ऑल।